अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सैयदा हाजबाज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान मुबारक है, इसके हिसाब से रेसिपीज़ बनेंगी, तो मैं न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। हम बना रहे हैं कीमे के समोसे। ये देखिए, कीमा लिया आधा किलो, हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब यही कीमा हम कढ़ाई में डाल लेंगे। ये देखिए, साथ में अज्जा बताती चलूँ, प्याज लिया हमने 5 अदद, आप 6 भी ले सकती हैं, 4 भी ले सकती हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, और ये है हरा मसाला हमने पीस कर रखा हुआ है। हरा मसाले में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें ऐड करी हैं, इसी तरीके से हमने पीस कर रख लिया है। और 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चें, हरी प्याज है, धनिया और नींबू। हरी प्याज भी काटनी है, धनिया भी हमें साफ़ करना है और प्याज भी। मगर ये कीमा हो रहा है हमारा, साथ में हम कीमे के साथ साथ सूखे हुए अज्जा डालेंगे। जब भी मैंने प्याज वगैरह अभी कटिंग नहीं करी है, तब सूखे हुए अज्जा मैं डालती चलूँ। साथ में सूखे हुए अज्जा हम डाल देंगे, जैसे कि मसाले मैंने आपको बताए थे, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चम्मच और कुटा हुआ साबुत धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और हरा मसाला 2 चम्मच, और साथ में बस इसी लाल मिर्चें 1 चम्मच। अब इसका हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और नमक भी डलेगा, हजम जाएगा। ये देखिए, नमक हजबे जाएगा। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक। अब ये थोड़ा सा मसालों का हम भुनने देते हैं, और जो अज्जा है, प्याज, हरी प्याज और धनिया, उसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने मसालों को मिक्स कर लिया है, अब हम ढक्कन ढककर इसको बनने के लिए रख देंगे कि हमारा कीमा गल जाए। और इसका जो पानी है, देखें पानी भी निकल रहा है, पानी भी खुश्क हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसमें तेल नहीं मिलाया था। तो अब हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, और जो अज्जा मैंने बताया था वो मैं कटिंग कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा पानी रह गया है, पूरा पानी खुश्क होने तक हमें पकने देना है कीमे को। ये ढक्कन हटाकर हमें इसका पानी खुश्क करने रखना है, ये पानी खुश्क हो जाए। इसी तरीके से हमें चम्मच फिराकर और आँच थोड़ी सी तेज़ करनी है कि फटाफट पानी खुश्क हो जाए। खुश्क हो गया है, बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, और जो अज्जा डालने हैं एंड में वो भी दिखाऊंगी। अब देखिए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी खुश्क होने की। ये देखिए, पानी भी नज़र नहीं आ रहा। तब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने से पहले जो अज्जा डालने हैं वो डालते हुए दिखाऊंगी। ये देखिए, कीमा ठंडा होने रखा है, हम इसमें डालेंगे कीमे को। और बाकी प्याज है, इसको हम कटिंग करके इसमें चॉप करेंगे, इसमें हम चॉप करेंगे प्याज को। ये देखिए, इस तरह मोटी मोटी बल्ले कटिंग कर सकती हैं, क्योंकि इसको हमें चॉप करना है। प्याज के साथ हम हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए हरा धनिया, इसको चॉप करके दिखाती हूँ मैं। देखिए, हमने कीमा फैला दिया है, फैलाना फैला भी सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही निकाल लिया है इसमें। अब ये नींबू मैं निचोड़ लूँगी। ये इस तरीके से हम नींबू निचोड़ लेंगे, 1 नींबू निचोड़ना है। ये देखिए, पहले से हमने 20 निकाल के रखे थे नींबू के, 20 नहीं होंगे लाइटिंग से इतना। हाँ, ये देखिए 20 नहीं है, 20 हमने निकाल के रखे थे। देखिए, जैसा कि कीमे में नींबू हमने मिक्स कर लिया है, प्याज भी हमारी कटिंग हो गई है। अब ये देखिए, धनिया चॉप हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन।
अब ये धनिया भी साथ में डल कर हम चॉप कर लेंगे। ये देख लें, हम इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। दूसरी बात ये, अगर आपके पास चॉपर ना हो मौजूद, तो आप हाथ से बारीक बारीक प्याज और बारीक बारीक धनिया कटिंग कर सकती हैं। हमने प्याज और धनिया को चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉप नहीं हो तो आप इसी तरीके से बारीक बारीक कटिंग कर सकती हैं। और जैसे कि हरी प्याज हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए, तमाम हरी प्याज मिलाकर अब जो मसाला हमने चॉप किया था, अब वो चॉप वाला भी प्याज और धनिया हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद समोसे बनाएंगे। समोसा बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अब समोसे बनाते हैं हम। बटर और पानी मिक्स करके हमने दही बना लिए। अब समोसा का पुर लिया है हमने। ये देखिए पुर, हम इस तरीके से करेंगे पट्टी के अंदर समोसे की। और ये हम हाथ से भर लें तो बेहतर है, वरना तो चम्मच से भी हम भर सकते हैं। अपने हिसाब से भर लीजिएगा जितना आपको ठीक लगे। अब ये जो हिस्सा बचा है इसमें हम लेई लगा लेंगे और हमारा समोसा रेडी है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे। हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं, बस इसको तेल में फ्राई करना है। तेल में फ्राई करके हम वीडियो एंड करेंगे। ये देखिए, हमारे मज़ेदार कीमे के समोसे तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। माशाल्लाह से आज बड़ा दिन है, किसवा रोज़ा है। अपनी खुशी से दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।